सर, रूम मिलेगा क्या? हाँ, हम रूम देने के लिए तो बैठे हैं। ओके, फिर दे दो रूम, और वो भी 2 घंटे के लिए। ठीक है, फिर तुम दोनों अपनी आईडी दे दो। आईडी? ये लो। ठीक है मैडम, तुम्हारी आईडी दो, और भाई साहब तुम्हारी आईडी। आईडी? हाँ भाई साहब, आईडी। पहली बार आ रहे हो क्या? रूम ले रहे हो तो आईडी तो लगेगी। एक्चुअली इनकी आईडी नहीं है। आईडी नहीं है? आईडी नहीं है तो फिर रूम कैसे मिलेगा? मैं रूम नहीं दे सकता। सर देख लो एक बार आप, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं और रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम जा नहीं सकते। अगर सर ले दे के कुछ बात हो जाए तो। ले दे के हो तो जाएगा, उसके लिए कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे। 5,000 रुपये? अरे सर आप 6,000 रुपये लो, बस आप मुझे रूम दे दो। अरे वाह मैडम, थैंक यू। अब तुम 2 घंटे क्या पूरे 24 घंटे रहो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ना कोई दिक्कत होगी यहाँ पे। अब थैंक यू सर। एक काम करो मैडम, आप यहाँ पे साइन कर दो, तब तक मैं चाबी निकालता हूँ। ये लीजिए मैडम चाबी, ये सामने 102 रूम नंबर है, आप वहाँ पे जाके एंजॉय करिए। आप बेबी चलो अब कुछ करते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हम आए हैं और वैसे भी 24 घंटे के लिए हमें रूम मिला है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते उसके बाद फिर करेंगे ना बेबी। अच्छा तुम कह रही हो तो चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, वैसे भी तुम्हारी बात थोड़ी ना काट सकता हूँ। अच्छा तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। शिवम, अरे शिवम। बस शिवम, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये मेरे बस कॉलेज फ्रेंड है। हाँ भैया ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, और हम यहाँ पे ना बस पढ़ने आए थे। अच्छा कॉलेज फ्रेंड, और इस होटल में आप लोग पढ़ने आए थे? हाँ भैया हम यहाँ पे बस पढ़ने आए थे, और नींद आ गई थी तो सो गए थे। अच्छा आप लोग पढ़ाई करने आए थे, अगर पढ़ाई करने आए हो तो किताबें कहाँ हैं? किताबें तो होंगी ना। अरे शिवम वो आपको तो पता ही होगा ना कि आजकल डिजिटल जमाना है और सब ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो हम भी बस फोन से ही पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा बहाना है बचने का, वैसा तुम सच बता रही हो या भी सबूत दिखाऊं तुम्हें? अरे शिवम आप कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ तो क्लियर है, फिर आप कौन से सबूत की बात कर रहे हो? क्लियर है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। केशव, शिवम ये तो रिसेप्शन वाला है ना, और आप इन्हें कैसे जानते हो? सुप्रिया ये रिसेप्शन वाला नहीं है, ये मेरा दोस्त है। हेलो शिवम, तेरी बीवी ना मेरे होटल में किसी लड़के के साथ आई है। ये क्या कह रहा है केशव? मुझे पता था भाई तू मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, आके भाई खुद ही देख ले होटल में। अच्छा ऐसा है तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। शिवम शिवम प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसी गलती फिर नहीं करूँगी, प्लीज़ शिवम माफ़ कर दो। सुप्रिया तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगी? और सुप्रिया तुम माफ़ी किस मुँह से मांग रही हो, तुम्हें लगता है मैं माफ़ कर दूंगा? शिवम मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और माफ़ करना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर प्लीज़ शिवम मुझे माफ़ कर दो बस एक बार। सुप्रिया अगर तुमने गलती की होती ना तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, पर तुमने गुनाह किया है और गुनाह कभी माफ नहीं होता। तुम जाओ इसी के साथ, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शिवम शिवम मेरी बात तो सुनो।